Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Samara VFX. आज जो हम आपको काम सिखाएंगे वो है एनिमेशन से लेके वेबसाइट्स. जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के जमाने में सारा काम 3D हो रहा है, ठीक है. मतलब कार्टून करेक्टर बनाए जा रहे हैं. तो इस बार आज हम आपको करेक्टर की मॉडलिंग बताएंगे इजी वे में, और मैं जो भी की स्पेस करूँगी आपको लेफ्ट साइड पे बॉटम पे नजर आएगी. सो आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने क्यों लिए शिफ्ट प्रेस किया, देन आप रूम पे चले गए, ठीक है. उसको एक सेंटर यानी एक पॉइंट पे ले गए हम, ठीक है. एक पॉइंट में जब हम उसको लेके गए, अब हमें इस पॉइंट से काम करना है, तो हम इसके ऊपर मॉडिफाइज में जाएंगे. यहाँ पे आपको टूल्स नजर आ रहे होंगे. जब मैंने मैट मॉडिफाइज में गई, अब हम यहाँ पे मिरर अप्लाई किया, देन फिर एड मॉडिफाइज में, एंड देन स्किन, एंड देन सब डिविजन्स. आप सब डिविजन्स लेवल को 2 रख सकते हैं, ठीक है. वर्क करने में इजी हो जाता है. देन आपने इसके ऊपर शेड स्मूथिंग करनी. अब जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एक पॉइंट था, सिर्फ एक डोर था जिसके ऊपर हमने स्किन और मिरर अप्लाई करके उसको एक बना दिया है. अब ये जो दोनों साइड पे जा रही है मिरर की वजह से, ठीक है. हमें मिरर अप्लाई करके इससे दोनों साइड पे काम हुआ है, ठीक है. हम जो है आर जी जब करेंगे तो आर्मेचर हमें जो लाइन है वो भी नजर आएगी, और हम इसको मार्क रूट करेंगे, ठीक है. मार्क रूट करने से ये होगा कि हम एक उसको पॉइंट दे दें, जिस तरीके से हमारी एक बैकबोन एक हड्डी होती है हमारी, जो कि मतलब पूरे उसको ढांचे को कंट्रोल कर रही होती है. इस तरीके से हमने इसको मार्क रूट किया, ठीक है. और ये जो अगर आपको यहाँ के अंदर जो लाइन नजर आ रही है वो से नजर आ रही है, क्योंकि हमें उसको आर्टिसी कर लिया ताकि हमें उसका नजर आ सके, ठीक है. अब जो है, अब एनिमेशन की अगर हम बात करें, जो हम करेक्टर मॉडलिंग कर रहे हैं, तो ये आजकल के मतलब जो दौर में ये जो नेक्स्ट आ रहा है इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. और ये बहुत ही मतलब इसी के काम है जो कि आप घर में बैठ के भी कर सकते हो, और इजी मतलब ये आसान है. ये एक एडवांस लेवल की जो कि आपको बेसिक तरीके से सिखाई जा रही है, और ये बिल्कुल भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी. आप इससे बहुत ज़्यादा आराम से सीख सकते हो, और इसमें हम आपको पूरा का पूरा एक जो है ना सेशन पूरा सिखाएंगे, जिसमें आप एक घर में बैठे बैठे एक एनिमेटर बन जाएगा, ठीक है. आपने देखे होंगे बहुत सारे कार्टून हैं, लेडी बाग देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे एनिमेटेड कार्टून आजकल तो मतलब मूवीज में बहुत ज़्यादा एनिमेशन हो रही है, तो इन फ्यूचर में तो इससे भी ज़्यादा एनिमेशन होगी, ठीक है. और इसके बाद जो है कि हमने उसके ऊपर स्किन अप्लाई करना है. क्रिएट एनिमेशन में जब हम गए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास बोन्स जो रेडी हुई है, ठीक है. आप ये देख रहे हो कि बोन्स भी लगे, आर्मेचर मशीन से खुद ब खुद ये ढांचा खुद ब खुद उसने क्रिएट कर दिया. तो ये और ये बहुत ही एक अच्छी फील्ड है सबके लिए, खासतौर पर गर्ल्स के लिए. मतलब ये तो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है. तो वो गर्ल्स जो बिल्कुल घर से बाहर नहीं जा सकती, वो तो इसे घर में बैठ के बहुत ईजी से काम कर सकती है, ठीक है. आप तो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाके करेक्टर बनाने के बाद उसको सेल भी कर सकते हो, ठीक है. अब इसके अंदर आप क्या करें, मल्टी रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है. एड मॉडिफायर्स में क्या है, मल्टी रेजोल्यूशन क्या काम करती हैं, देखिएगा. आप मल्टी रेजोल्यूशन अब क्या क्या कि हमने उस चीज़ में कहें कि भाई उसका मैश किस तरीके से नजर आ रहा है. जब हम उसके ऊपर मल्टी रेजोल्यूशन अप्लाई करें तो आप देख रहे हैं उसका मैश बढ़ रहा है और कम हो रहा है, ठीक है. तो हम एक मैश ऐसे ही होगा कि जब हम उसको क्लॉथिंग करेंगे या फिर हम उसको कपड़े पहनाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ से इफेक्ट आएगा, ठीक है. और आपके पास यहाँ पे मोड्स हैं, ज़्यादा आपके लिए यूजेबल जो मोड है वो ऑब्जेक्ट मोड में काम किया जाता है. सबसे पहले एडिट मोड या ऑब्जेक्ट मोड में काम किया जाता है, ठीक है. उसके अलावा अभी हमने स्क्रब टूल लिया. जो स्क्रब टूल है वो क्या करता है कि वो आपने देखा होगा कि जिसम की बॉडी के ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं, उभरी हुई चीज़ें, जिस तरीके से अगर आप सिक्स पैक बनाना चाहते हो उसके, तो उसके लिए जो हम है वो यूज़ करते हैं स्क्रब टूल. उसको स्क्रब करने के लिए उभारना कहते हैं, ठीक है. उभारते हैं जिसके पार्ट्स को, ये आप अपनी मतलब अपने मुताबिक जो है इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है. आप इसके मतलब आप डायरेक्शन दे रहे हो ना भाई, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन में, किस तरीके से आप इसको स्क्रब करना चाह रहे हो, ठीक है. और ये जो आपको लाइन्स नजर आ रही है, आपको फ्रंट पे नजर भी आ रहा है, जहाँ पे एक्स वाई जी दिखा रही है, आपको डायरेक्शन बता रहे हैं कि भाई अगर आप वाई लाइन को शो करें तो ये जी वाली है, एक्स को करें तो ये मतलब एक्स रेड करें तो एक्स वाली है, और जो है ब्लू को करें तो जी वाली लाइनें. लेकिन स्क्रैपिंग कितनी अच्छे से हो रही है यहाँ पे. आप सिक्स पैक आप एनिमल बनाते हो, आप उसके अंदर स्क्रैपिंग दे रहे होते हो, तो ये उस किस्म की बात हो रही है.
यहाँ पे हम इसको स्मूथ, मतलब देखिए ना कोई भी काम करें तो वो अच्छा लगता है जब हम उसको बहुत ज़्यादा स्मूथली काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप उसको अब उसके बाद स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा सकते हो, उसकी कम कर सकते हो, उसकी जिस जिस भी आप जिस चीज़ को भी आप प्रेस करोगे ना, मतलब आप तो आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर जो है शो होने लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक करेक्टर बन गया है, और आप जिस तरीके से हम जानते हैं कि हमारी बैक साइड पे बैक बोन होती है, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हम, मतलब आपने करेक्टर्स देखे होंगे, मतलब आप किसी खूबसूरती कुछ भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते, ठीक है। ये हम उस चीज को उभार रहे हैं, अब हम स्मूथ कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज को अब हम स्मूथ करेंगे, जैसे कि आपको नजर आ रहे हो, देखिए उसके अंदर जितनी भी हमें नजर आ रही थी कर्व्स वगैरह सारे सारे इसके साथ स्मूथ हो गए, गायब हो गए। और अब हम ग्रैप ग्रैप होते किसी चीज को खींचना, तो ये देखिए ग्रैप उस खींच रहा है, मतलब जब आप कोई लाइन वो बना रहे हैं, कैंगरू बना रहे हो, या कोई ऐसी चीज ऊंट बनाते हैं जिस तरीके से हम, तो उसके आप पता है ऊपर एक होती है, अब हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद इसके सबसे पहले हम फेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फेसेस आप देखा होगा कि कोई भी चीज़ें, तीन चीज़ें होती हैं, फेस जो है हमारे पास होता है एक वर्टिक्स, एजेस एंड फेसेस, ठीक है। यानी अगर वर्टिक्स यानी एक डॉट होता है, एज जब दो डॉट मिलके एक लाइन जो बन जाती है, फेसेस यानी पूरा पूरा आपके पास एक फेस आ जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे जब आपने फेस सेलेक्ट किया, आप फेस सेलेक्ट कर लेते हो, आप मतलब आप अगर क्लोथिंग दे रहे हो उसको, तो आपने फेस सेलेक्ट करने इक्वल दोनों साइड पर देखे करोगे, तो आपके पास उतनी चीज़ सेलेक्ट होगी जितना आपने उसको सेलेक्ट किया था, आपके पास चीज़ सेलेक्ट हुई, ठीक है। तो अब हम इसको कलर करेंगे अपने करेक्टर को, तो सबसे पहले एक तरीका होता है जिस तरीके से जो आम मतलब लोग कलर करते हैं, इस तरीके से देखें आप मतलब उसको सेलेक्ट कर रहे हो पार्ट्स को, और ये देखें आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली कि यहाँ पे वो पूरे के पूरे फेसेस दे रहा है, और मतलब अच्छे से स्मूथली कलर नहीं होगा, और इस तरीके से होगा जब हम उसको मूवमेंट लेके चलेगा तो क्या होगा कि कपड़े उसके फटेंगे। तो इससे ज़्यादा जो आप एडवांस सीखे हम आपको सिखाओगे जैसे रोड रेस, वो उस तरीके से अगर कलर करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े में रहेंगे या उसको कलर देंगे तो एक बड़ा स्मूथ होगा टेक्सचर, और फटेंगे नहीं बहुत, ठीक है। तो हम शेडिंग में गए एंड देन हम हमारे पास एक यहाँ पे नोट बेस है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइप करेंगे टेक्स्ट कोऑर्डिनेट, टेक्स्ट कोऑर्डिनेट टाइप किया आपने, ठीक है। यस अब हमारे पास एक नोट बेस, उसके बाद हम लेंगे मैपिंग, उसके बाद हम लेंगे सेपरेट सेपरेट एक्स वाई सी, सारा हम शिफ्ट ए से ले रहे हैं, फिर कलर रैप, ठीक है। आप इसको साइड पे ले जा सकते हो, उसके बाद आप कलर रैप लोगे,
कलर रैप लेने के बाद आप इनके नोड्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, नोड्स जैसे किसी सर्कल्स वगैरह आपको छोटे छोटे कलरफुल नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आपने इनको एक दूसरे के साथ एडिट करना है, जिस तरीके से आपके पास हो गया जनरेट वाला वेक्टर के साथ, उसको आपने नोड बेस मतलब नोड को नोड के साथ जोड़ दिया, वेक्टर को वेक्टर के साथ, ठीक है। एंड देन जी वाली डायरेक्शन का आपने परफेक्ट बाद है कलर को आपने बेस कलर के साथ एडजस्ट कर लिया, ठीक। अब आप देखेंगे इसके बाद धुआं क्या है। इसके बाद हमारे पास हमारा जो करेक्टर था हमारा, हम इसको जितने शेडिंग मतलब टू शेडिंग आपको नजर आ रही है यहाँ पे, व्हाइट और ब्लैक कलर की शेडिंग है ऊपर। आप अगर करेक्टर भी देखेंगे तो आप देखेंगे उसके पाँव जो ब्लैक नजर आ रहा है, ऊपर से ब्लैक व्हाइट नजर आ रहा है। इसके अंदर आप कलर ऐड कर सकते हो, ठीक है। जिस किस्म का आप कलर ऐड कर रहे हैं, जो सभी आप कलर देना चाहते हो, तो अगर आप कलर दे रहे हो जिस तरीके से कि ब्लैक कलर है, आपने ब्लैक कलर दिया एंड उसे प्लस करते हो आप, ठीक है। आप प्लस कलर के जितने मर्जी कलर ऐड कर लो, जितने लेआउट आप ऐड करना चाहते हो, जितने कलर आप कलरफुल अपने ड्रेस बनाना चाहते हो अपने करेक्टर का, तो आप उतने उसको कलर दे सकते हो। जैसे कि मेरे नाम में इसके अंदर थ्री कलर है, जैसे कि ब्लैक है, मस्टर्ड येलो कलर है। उसके बाद आप कॉन्स्टेंट इसको देखिए, अगर आप कॉन्स्टेंट इसको नहीं करते हो तो जैसे मैं शुरू एक दूसरे के साथ बिल्कुल मर्ज हो बैठने लगे, लेकिन जब आप इसको उसको कॉन्स्टेंट कर देते हो तो एक मतलब लाइन दे देते हैं कि इतने टाइम पे जो है आपका ये वाला कलर चल रहा है, इतने उसके ऊपर आपका ये वाला कलर फिक्स आपको एक दे देते हैं, कितने कलर मर्ज नहीं करते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, मतलब कि आप शर्ट कितनी बनाना चाह रहे हो, आप उसकी पैंट कितनी बनाना चाह रहे हो, किस कौन सा कलर आप उसको देना चाह रहे हो। बाकी जो डिजाइनिंग करेंगे वो आपके ऊपर, अगर आप दूसरे में जैसे किसी मैंने आपको पहले दिखाया जो फेस से लेकर के कलर करना है उसमें, मतलब कि आप कपड़े को इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते, जिससे आप अभी यहाँ पे देखेंगे आप उसका बैग बनाओगे तो उसमें आप बैग नहीं इजी बना सकते, इसके लिए बहुत ज्यादा आसान है आपने कलर दिए एंड देन आप उसकी लेंथ और जो हाइट है वो आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते। आप चाहते हो यहाँ पे वो फुल पैंट पहने तो आप उसको फुल फिर कर सकते हो, आप शूट कलर चेंज कर सकते हो, आप नहीं चाहते आप शॉर्ट्स पहनना चाहते हो उसको शॉर्ट पहनना चाहते पहना सकते हो, जो नीचे येलो कलर नजर आ रहा है इसको आप स्किन कलर जो से भी आप अपने करेक्टर को कलर देना चाह रहे हैं उसको अलग अलग दे सकते हैं। लेआउट में जाने जो कि हमारा बेस जहाँ पे काम कर रहे थे, लेआउट में जाने के बाद हम उसके एडिट मोड में जाएंगे, एडिट मोड में जाने के बाद हम उसके हैंड बिकॉज मतलब हैंड करके हैंड तक तो कपड़ा नहीं होता था, तो स्किन कलर जैसे कलर आप करेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। जो हमने जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि हमारे पास ये वाला तरीके से असाइन करते हैं कलर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें होता है कि इतना स्मूथ भी कलर नहीं आता, लेकिन इससे हमारे पास ये वाला टाइप रह गया था तो हाथ धो के, ठीक है। ये हमारे एक करेक्टर बन गए, ठीक है। आप हमारे इस करेक्टर का सिर्फ हेड रह गया, बाकी हम बैग अपने करेक्टर बना रहे हैं। आप इसको तेल वाला स्प्राइट करोगे अपने ब्लेंडर के मतलब जो सा भी आप काम करो ब्लेंडर में काम करो तो आप फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा एक करेक्टर बहुत ही अच्छा करेक्टर तैयार हो गया, लेकिन हमारे पास कमी क्या है, वो हमारे पास कमी है, हमने इसको हाइड कर लिया, ठीक है। हाइड करके आप काम कर रही है और हमने ए से इसको हाइड किया है, आप इसके अंदर स्फीयर लेंगे, आप देखिए स्फीयर लेने के बाद पहले आप इसको स्मूथ कर दो, ठीक है। अब जो बेसिकली आपने काम इसका करना है थ्री में, ठीक है, साइड पोज में जाके आपने काम करना है, क्योंकि अगर साइड पोज भी नहीं करेंगे तो आगे आपकी साइड पे लग जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको इस ओरिजिन पॉइंट से हटाना नहीं है, अगर आप इसके इस ओरिजिन पॉइंट से हटा देते हो तो फिर आपका काम मतलब ठीक नहीं होगा, तो आपने इसको इसी पॉइंट पर रखते हो, इसी ओरिजिन पॉइंट पर रखते हो सारा काम करना है। तो हमने इसको डुप्लीकेट किया था, डुप्लीकेट करने के बाद हमने इसको आई सी, ठीक है, मतलब ब्लैक कलर की आंखों के लिए देन हम इसको जो है मटेरियल पावर बढ़ा देंगे और जो है रफनेस इसकी कम कर देंगे, ठीक है। आप जो मटेरियल पावर बढ़ाने से क्या होगा कि आप देखते हो कि हमारा जब आई सी देते हैं तो उसके अंदर चमक सी होती है, ठीक है, तो इससे होगा ब्लैक के अंदर चमक आ जाएगी, जैसे आप टेडी बेयर के ऊपर देखते हो क्या क्या वगैरह लगी होती है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि आप आप इसको श्रिंक रैप करोगे, ठीक है, आपने इसको श्रिंक रैप करना है। श्रिंक रैप करने के बाद अब देखिए श्रिंक रैप करेंगे, इसको अप्लाई नहीं करते, यहाँ पे एक आई ड्रॉपर है, आप आई ड्रॉपर उस बच्चे पे लगाओगे जहाँ पे आप श्रिंक रैप कर रहे हो, ठीक है। श्रिंक रैप जब आपने किया था फिर मॉडिफायर में जाओगे, मॉडिफायर में जाने के बाद आप इसको मिरर अप्लाई करोगे, मिरर अप्लाई जैसे हमने स्किन के ऊपर किया था कि दो साइड पे वर्क हो, तो आप आगे तो हमारे लगे अब हम इसके फेस नोज आईब्रोज बनाने हैं, तो इसके लिए एक प्लेन लेंगे, ठीक है।
तो प्लेन क्यों भी ले रहे हैं आप, यहाँ पे प्लेन ले लो ठीक है। प्लेन को आप एडजस्ट करोगे एज अ फेस, मतलब स्केल करके ठीक है। हमारे पास तीन डायरेक्शन है, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्केल से हम बड़ा कर सकते हैं, डायरेक्शन से हम उसको मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके अंदर एजेस डालोगे, एजेस डालने के लिए जैसे मुड़ जाए, चीज टूट जाए, तो यहाँ पे आप एजेस डालोगे। और एजेस सबसे पहले आप एडिट मोड में जाके उसको एडिट करके, एडिट कोई चीज अगर आप एडिट करेंगे तो आप एडिट मोड में जाओगे। ऑब्जेक्ट मोड में आप पूरी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एडिट मोड में आप एक एक चीज पकड़ सकते हो। अगर आपको एक वर्टिस चाहिए या आपको फेस चाहिए या फिर आपको जो है मतलब आप तीनों चीजें जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो। उसके बाद आपने कलर लिया, जिस तरीके से मैच मैंने आपको कलर लेना पहले बता चुके, तो आपने कलर लेके उसको सबडिविजन में जाके, अब देखिए सबडिविजन को क्योंकि फेस वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर टाइप है, सबडिविजन में आप जाएंगे तो थोड़ा सा उसकी कर्व्स बन जाएगी साइड पे ठीक है। एंड देन उसको है हम ट्रांसलेट करते हुए फेस के लिए, लेकिन यहाँ पे आप इसको भी श्रिंक रैप करना है, लेकिन ये वाला श्रिंक रैप आपको के श्रिंक रैप से डिफरेंट वाला है ठीक है। ये एड मॉडिफायर में था, अब ये एड मॉडिफायर में आप देखेंगे कि श्रिंक रैप है यहाँ पे, आप इसको श्रिंक रैप करोगे एंड देन इसका भी आई ट्रोवर आप लगाओगे तो फेस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने इसको बाद में टारगेट नॉर्मल ऑब्जेक्ट करेंगे ठीक है, और अब आप देखेंगे कि आपने अपने फेस को मतलब वो बिल्कुल देखिए उसके अंदर से नजर आ रहा है फेस अपना, तो आप उसको शिफ्ट प्रेस करते हुए आप लेफ्ट क्लिक के साथ उसको थोड़ा सा मूव करोगे, देखोगे कि भाई वो अंदर जा रहा है, थोड़ा बाहर आ रहा है, तो देखिए आप उसको बाद में एडजस्ट करोगे। आप उसके बाद ये क्या आप अपने मुताबिक अपने फेस को आप इसको शेड स्मूथ भी करेंगे, देखिए इसके अंदर आप उसके अंदर कर्व्स हैं जिसके अंदर मैं मैच क्रिएट किया था वो मैच जैसे नहीं आ रहा, सो आपने मुताबिक जो है ना अपना फेस एडजस्ट कर सकते हो। आप किस तरीके का बनाना चाहते हो, आप इसी को कॉपी करते हो, आप इसकी नोज बनाओगे, आप देखना चाहते हो मतलब देखिए आप किस किस की नोज चाहिए, आपको गोल चाहिए, आपको वो रेक्टेंगुलर टाइप चाहिए, आपको जो है ट्राइंगुलर टाइप चाहिए, जिस टाइप की आपको नोज चाहिए आप इसी तरीके से बना सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको रोटेट करें, रोटेट करने के बाद मतलब आर एन 90 के उसको स्केल करें। ये बहुत एक इजी वे है और इस इजी वे के जरिए आप बहुत जल्दी एक एनिमेटर बन सकते हैं अगर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखिए मिरर अप्लाई किया, मिरर अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि आईब्रोज आप बना रहे हो तो दोनों में एक साथ ही बना, पहले एक आईब्रोज बनाओ और दूसरा आईब्रोज बनाओ, और फिर उनको ये भी पता चला कि हम स्केल वहाँ पर एक आईब्रो ऊपर चला गया, एक आईब्रो नीचे आ गया। जब हम इनको स्केल मतलब मिरर कर देते हैं तो दोनों एक जैसे बड़े जैसे होते हैं, बड़े जैसे होते हैं कि ये बहुत ही ईजी है। तो जो अब है अगर हमारा फेस बन गया, लेकिन हमें इसके जो कमियां हैं वो है कि इसकी हेयर्स रह जाए, उसको कान दिए जाए, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि शिफ्ट ए, अब देखिए शिफ्ट ए से क्या होगा कि फेस के ऊपर वाली चीज सारी हाइड, जो चीज सेलेक्ट है वो हाइड नहीं होगी, बाकी जो सेलेक्ट नहीं होती वो हाइड हो जाती है ठीक है। आप सेवन में टॉप व्यू में जाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास व्यूज होते हैं फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, तो आप क्या किया सबसे पहले आपने इसको कंट्रोल प्रेस कर लेना ठीक है। जिससे होगा आपके भी एक एरिया सेलेक्ट हो रहा है ठीक है, आप एरिया वो सेलेक्ट हुआ, अब क्या कर सकते हो कि आप देखो कि ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट हो गया, नीचे वाला भी एरिया सेलेक्ट हो गया, आपको साइड पे बहुत सारे टूल बार नजर आ रहे होंगे, आप सारे टूल्स यूज नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाला टूल्स ही यूज कर रहे हैं ठीक है। अब आप देखो कि नीचे वाला गायब कर दिया हमने, ऊपर वाला जो हमने सेलेक्टेड पार्ट है उसको हमने कलर देना है, तो आप कलर जिस भी टाइप के बनाना चाहते हो, जिस कलर के बनाना चाहते हो आपको पूरा कलर दे सकते हो, तो ये कलर हम अच्छे से दे लेंगे ठीक है। आप क्या करोगे सबसे पहले आपने फेस को स्किन कलर मतलब जो भी आप कलर देना चाहते हो एंड देन जो है आप फिर से उसको असाइन करोगे, देखिए आप न्यू पार्ट कलर दे रहे हो तो आप प्लस करोगे ठीक है, अगर आप कलर ठीक करना चाहते हो तो आप माइनस करोगे मटीरियल, आप अगर न्यू मटीरियल लेना है तो आप प्लस करोगे, देन उसको न्यू जाके असाइन करके फिर उसको कलर दे देंगे, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि हम उसको ब्लैक कलर हेयर कलर दे दिया। अगर आप अपने मतलब किसी से एडजस्ट कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़े पूरा पीछे से ब्लैक करना है, पूरा से आपको बेबी भी कटे हैं, जिस तरीके की भी आप कटिंग नहीं देना चाहते हो, ये सारा जो है आप देख आप उसके बैंक बनाना चाहते हो, कुछ भी काम कर सकते हैं मैश के जरिए। आप थोड़ा अगर इसको मैश और देना चाहते हो तो आप उसको ज़्यादा मैश और भी दे सकते हैं।
आप शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कर सकते हो, फिर कैसे शिफ्ट दबा के आप उसके ऊपर अगर क्लिक कर दो तो चीज सेलेक्ट जाती है, ठीक है। एंड देन आप उसको कलर आप कोई भी अगर आप न्यू ले रहे हो तो अगेन आपको जो है न्यू में जाकर उसको करना पड़ेगा कि आप देख करके वो असाइन गए लेकिन साइज से असाइन हुआ, हमने सामने शिफ्ट दबा के उसको सेलेक्ट करेंगे पीछे से भी। एंड देन अगर हम क्योंकि हम चाहते थे कि उसका बैंक बन जाए तो सर ने उसको क्या किया कि मटेरियल में जाके फर्स्ट कलर में उसको सेंड किया, ठीक है। उसे उसे वाला कलर में दे दिए, एक सिलेंडर, ठीक है। उस सिलेंडर में लेकर क्योंकि हम उसके ईयर्स बनाए, एक सिलेंडर लिया, देन आप उसके कर दो रोटेट कर दो और आप एक चले गए। आप अपने तरह कान बना सकते हो, छोटे आप रेक्टेंगुलर लगा सकते हो, ट्रायंगुलर लगा सकते हो, आप चीज जैसे कैरेक्टर बना सकते हो, जिस किस्म का आपका दिल करे, क्योंकि आपका कंप्यूटर है, आपका कैरेक्टर है, आप जैसा आपका दिल करे उस कैरेक्टर को लगाएं। अब आप ईयर बनाना चाहते हो तो दूसरे ईयर वैसे ही बनाना चाहिए जैसा था, जैसे पहले मिरर अप्लाई किया था, आप भी मिरर अप्लाई करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सिंपल दे रहा है, जैसे कि उसके कान लग गए, ठीक है। देन आप फिर बी प्रेस करके उसको क्या कर दोगे, यूनियन कर दोगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उसके बोन के साथ एडजस्ट हो चुके हैं एज अ जैसे कान लग गए, ठीक है। खराब हो जाते हैं इसको, ऐसा कि आप देखिए कि आप आईज जो है वो मूव कर पाएंगे। आप क्या करोगे, जिस चीज को आप जो मतलब जिस तरीके से आप फेस के ऊपर सारा चीज लगा रहे हो पास सेलेक्ट करोगे, फेस की चीज को पहले सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल पी करोगे, इससे क्या कर दोगे आप ऑब्जेक्ट कर दोगे, वो चीजें ऑब्जेक्ट हो जाएगी, एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे चले जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए आपने आईब्रोज कुछ भी सेलेक्ट कर सकते, फेस की नोज लिप्स एंड लास्ट जो आपको चीज सेलेक्ट करनी है वो आपका है, ठीक है। तो आप जो हमें फेस अपना पूरा बना लिया तो हमें मतलब उसका करेक्टर जो हमने उसकी बॉडी तैयारी की थी उसको लेके आए हैं, लेस उसको हाइड किया है, इसको प्रॉपर ले जाएंगे, ठीक है। हमने आर लेस उसको लेके आए हैं वापस, ठीक है। ए साइड और आर लेस वापस, ठीक है, हाइड हो जाता है। और जब आप पहले बता चुके आपने एडिट मोड में जाना, ठीक है। अब आप फेस को बोन देने का बोलते हैं, फेस मूव करेगा तो एक ही बोन के साथ उसको एक ही बोन आपने देनी है, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में जो बॉडी को बोन्स मूवमेंट दे रही है, इसको आप बोन कर दोगे, ठीक है। इसको आप क्या करना है, बोन। अब इसके अंदर देखें, हमने सिर्फ करेक्टर बनाया है तो बोन्स के अंदर खुद ब खुद जिस तरीके से हम क्लियर एनिमेशन दे रहे हैं तो खुद ब खुद बनती है। अगर आपको बोन को चेक करना है तो बोन्स मोड में, ठीक है। और पोस्ट मोड में जाने के बाद आप उसको रोटेट करके देख सकते हो, देखें आपकी आंखें बिल्कुल उसी पोजीशन पॉइंट पे है, वो फेस के साथ ही मूवमेंट कर रही है।
तो गाइस ये था हमारे कनेक्टेड कार्टून जो कि बहुत ही इजी वे में हमें बता दिया है, आपको बनाना सिखाया है और आप उसके ऊपर बहुत मेहनत कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको दिखाएंगे कि ये बात कैसे करते हैं, इनको शेप किसके जरिए मूव कैसे मूवमेंट कैसे दी जाती है, बात कैसे करते हैं, इनको इस तरीके से आप इसकी आंखों को मूव कर सकते हो, तो ये सारा का सारा जो है ना हम आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिए और अगर आपको वीडियोस पसंद नहीं हो तो काइंडली प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल और सारा रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।